अर्शाद क्या कर रहे हैं मेरा बेटा? इसके साथ एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा जी, हमारा फैमिली डिनर हो रहा है माशाल्लाह। अभी हमने ऑर्डर कर लिया है 15-20। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। जी व्यूअर्स, आज मेरे बच्चों की तरफ से और मेरी मिसिस की तरफ से मेरे लिए एक दावत का अरेंज किया गया है, तो हम डिनर करने जा रहे हैं। अभी बस डिसाइड करना है कि कौन से रेस्टोरेंट पे चलना है। मैं आपको अपडेट देता हूँ कि हम कहाँ जाने लगे हैं आज डिनर करने। हमारे साथ रहिएगा गाइस। तो डिनर के लिए जा रहे हैं ईमान, फातिमा, पापा को खाना खिलाने कहाँ लेके जा रहे हो? अच्छा, मैं तो कहता हूँ कि बस। अच्छा, ऑप्शन कौन कौन से हैं? तंदूरी है, रूही है। अच्छा, और बताएं और क्या ऑप्शन है? अलमक्का रेस्टोरेंट भी है, तंदूरी डेरा भी है, और इसके अलावा रूही रेस्टोरेंट भी है। हाँ, चलना है, मेरा तो बारबेक्यू खाने का दिल है। चलें यार, गाड़ी स्टार्ट करके चलते हैं और फिर देखते हैं कि गाड़ी कहाँ जाके रुकती है, वहीं पे फिर खाना खाएंगे हम लोग। ठीक है, तो फिर डिसाइड यही हुआ कि हम तंदूरी डेरे पे जाते हैं। तो इस टाइम हम इस रेस्टोरेंट पे पहुंच चुके हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ क्या क्या एंजॉय करते हैं और आपके साथ आज का ये अपना डिनर, अपना ये फैमिली व्लॉग शेयर करने लगा हूँ मैं। मन कह रहे मुझे ये दें। जो साथ नजर आ रहे हैं ना, आज बड़ा तंग कर रहा है, आज ये हमें डिनर ही नहीं करने दे रहा, सुबह से तंग किया जा रहा है। साथ इधर तो आओ, पापा के पास तो बैठ जाओ यार, क्यों तंग कर रहे हो हैं? किधर जा रहे हो, किधर जा रहे? उधर जी गाइस, ये हैं हमारे पास आज जो कोर्स में रेशमी कबाब हैं यहाँ पे, उसके साथ फिर यहाँ पे ये हैं जी मलाई बोटी हमने ऑर्डर की है, और ये मखनी कबाब हैं, और ये हमारे आज के फ्राइड राइस, ये आज का हमारा मेन्यू है। खाना आ चुका है और अब हम अपना डिनर स्टार्ट करने लगे हैं। ये देखें, ये आज मैंने अपनी सर्विंग जो ली है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसके साथ स्टार्ट करते हैं? आइटम तो बहुत हैं, बस स्टार्ट करते हैं खाना जल्दी से, बहुत भूख लगी है। बहुत अच्छा है मलाई बोटी का टेस्ट। अब हम मखनी कबाब को ट्राई करते हैं। हमने अपना डिनर मुकम्मल कर लिया है और माशाल्लाह बहुत ही इंजॉय किया है। ये मेरी फैमिली की तरफ से डिनर था। जैसे कि आप सबको पता है, मैं थोड़े अरसे में फॉरेन कंट्री जा रहा हूँ, तो ये हमारा बाहर की आउटिंग आखिरी समझ लें इंशाल्लाह, फिर बहुत जल्द आएंगे तो फिर बच्चों के साथ मज़ीद इंजॉय किया करेंगे। हाँ जी ईमान, फातिमा, बताएं कैसे रहा आज आपका ये डिनर? अच्छा, अच्छा रहा, मज़े किए? आप बताएं अब आप कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, खाना भी बहुत अच्छा था। हाँ, इस टाइम हम मौजूद हैं टेस्टी डेरे पे और हमारा आज का डिनर मुकम्मल हुआ और अब हम आगे चलने लगे हैं, आगे जाके कहीं से आइसक्रीम खाते हैं। ठीक है, ये जी मेरा शहजादा मेरे इंतज़ार में मौजूद है गाड़ी पे। व्यूअर्स, खाने के बाद सर्दी के मौसम में कुल्फी को एंजॉय करते हुए यहाँ तंदूरी डेरे की कुल्फी भी बहुत अच्छी है। हाँ, ये साथ ईमान की है। वाह वाह, बहुत मजे किए साथ। बेटा किधर जा रहे हो? पापा आपको कब से बुला रहे हैं, पापा की बात नहीं सुनोगे? हैं, नहीं सुनोगे? वो देखो कहाँ बैठे हैं मम्मा, इधर तो देखो, क्या देख रहे हो? आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ आ जाओ, आइसक्रीम एंजॉय कर रहे हो, सर्दी लग रही है। इधर नहीं देख रहा मेरा बेटा है। इसके बाद हम लोग मदीना मार्ट पे मौजूद हैं और बच्चों ने अपनी विंडो शॉपिंग शुरू कर दी है। साथ ने अभी अपनी आइसक्रीम नहीं फिनिश की है ना, साथ नहीं फिनिश की ना अभी आइसक्रीम आपने?
साद ने जल्दी जल्दी अपने खाने पीने की चीजें ले ली हैं और बहुत आज जल्दी साथ ने अपनी शॉपिंग फिनिश कर ली है, लेकिन इसकी आइसक्रीम नहीं फिनिश हुई, इसकी शॉपिंग हो गई है। आ जाओ ईमान बेटे, चलें चाय पीते हैं और फिर चलते हैं। ईमान बेटा आपको और क्या चाहिए? अच्छा ये वाला बर्गर चाहिए, अब वो आपने लेना है तो फिर आप अपनी आइसक्रीम मुझे दे दें। वाह जी वाह, ईमान ने अपनी आइसक्रीम कुर्बान कर दी इस बर्गर के लिए। चलें अभी अंकल गर्म करते हैं आपके लिए, यहाँ से हम मदीना मार्ट पे मौजूद हैं और ईमान को ये बर्गर अच्छा लगा है इसके लिए इसने अपनी आइसक्रीम को अपने पापा को दे दिया है ना, ऐसे किया ना ईमान। चलें यान कैफे पे हमारी स्पेशल चाय बन रही है, खाना तो हमने तंदूरी टेरा से खाया लेकिन चाय पीने के लिए हम यहाँ पे जरूर आते हैं। आपको भी मैं यही एडवाइस हर दफा करता हूँ कि जब भी आपने चाय पीनी हो तो इनके पास आके पिया करें, बहुत ही कमाल की चाय होती है इनकी। ये भाई हैं, पहले भी आपने मेरे व्लॉग में इनको देखा है और ये बहुत मोहब्बत से हमारे लिए चाय बनाते हैं। जी अयान कैफे की चाय जिसे साथ ने नीचे गिरा दिया है, अब वो हैरान परेशान है ये मैंने क्या किया, इसने टेबल को ऐसे हाथ लगाया कि चाय सारी नीचे आ गई है ना साथ। अब हैरान परेशान हुआ बेटा। गाइस यहाँ पे हम अक्सर आते रहते हैं चाय पीने के बाद, अब बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं, झूला एंजॉय कर रहे। मन डरा क्यों रही हो व्यूअर्स को है? ऐसे नहीं करो, शायद मजा कर रहा है, सर्दी लग रही है। हाँ पीछे डॉगी होते हैं साथ, इसलिए बार बार पीछे देख रहे है ना साथ, मजे कर रहे हो। गाइस आज का भी लोग यहीं खत्म करते हैं, मेरी इस वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि फौरन जाएं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।